अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से सॉल्व की जाती है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन जो है वह दो तरह की है, एक स्केलर नंबर के साथ, उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, दूसरी होती है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दोनों को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होती है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? जब हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी क्वांटिटी के साथ या किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। देखते हैं जी एग्जांपल। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2, 3, 4 एंड 5। मैं कहता हूं कि 2 को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए के साथ। इसका मतलब मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए की तमाम एंट्रीज के साथ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये नहीं है कि एक जो डिजिट है या ये जो नंबर है इसको सिर्फ ए के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देना, नॉट एट ऑल। इसको हमने जो ए मैट्रिक्स है उसकी तमाम एंट्रीज के साथ वन बाय वन मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 2a है तो 2 जो है इसको वन बाय वन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 5s are 10। ये जो आंसर आया है ये हमारा आया है 2a का। इसका मतलब ये है कि इसमें हमने एक मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये इस प्रोसेस के तहत जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस प्रोसेस को स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए है मैट्रिक्स 1, 2, 3 एंड 4, मैट्रिक्स बी है मेरे पास 7, 6, 5, 3। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का वन बाय वन जो साइज है वो एक साइड पे लिख लेंगे। इस मैट्रिक्स ए का साइज जो है वो है 2 बाय 2, मैट्रिक्स बी का भी साइज 2 बाय 2 है। हम क्या करेंगे, जब ये दोनों मैट्रिसेस के साइजेस को हमने सेपरेटली लिख लिया तो हम देखेंगे कि ये जो इन साइड वाले नंबर्स हैं वो दोनों सेम हैं या नहीं। अगर तो इन साइड वाले नंबर्स दोनों सेम हुए, इन साइड नंबर्स अगर दोनों सेम हुए तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होगा। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि मल्टीप्लीकेशन दो मैट्रिसेस के लिए इन साइड वाले नंबर्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए और नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम होंगे तो हमारा प्रोडक्ट डिफाइंड होगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर जो आउटसाइड वाले नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे है 2 और 2, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर या साइज होगा 2 बाय 2। अब ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये पता लग गया है कि इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर 2 बाय 2 होगा। इसका मतलब इसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है।
मल्टीप्लाई करने से पहले आपने पहले इसकी फर्स्ट रो को मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स बी की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो हमें ए वन वैल्यू देगा। फिर आपने इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए की रो वन को मैट्रिक्स बी के कॉलम टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमें वैल्यू देगा ए टू। फिर आपने मैट्रिक्स ए की रो टू को मैट्रिक्स बी के कॉलम वन से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये वैल्यू ए थ्री देगा। उसके बाद आपने मैट्रिक्स ए की रो टू को मैट्रिक्स बी की रो टू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको वैल्यू ए फोर देगा। आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए की जो रो का नंबर वन है एंट्री, उसको मैट्रिक्स बी की कॉलम वन की पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, वन मल्टीप्लाई बाय सेवन आ गया। इसको प्लस कर देना है मैट्रिक्स ए की रो वन की सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बी की कॉलम वन की सेकंड एंट्री के साथ, तो ये आ गया टू मल्टीप्लाई बाय फाइव। इसी तरीके से ए टू को करेंगे हम, मैट्रिक्स ए की रो वन के फर्स्ट एंट्री को इसी तरीके से हम ए टू के लिए करेंगे, मैट्रिक्स ए की रो वन की फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी की कॉलम टू की फर्स्ट एंट्री के साथ, तो ये आ गया हमारे पास वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स। प्लस कर देंगे मैट्रिक्स ए की सेकंड एंट्री को मैट्रिक्स ए की सेकंड फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स बी की सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ, तो ये आ गया टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। ए थ्री कैसे आएगा जी, मैट्रिक्स ए की सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को मैट्रिक्स बी की फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके, थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन। प्लस कर देंगे इसको फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव, जो के फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो की सेकंड एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके आए। इधर करेंगे जी फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ, और फिर प्लस कर देंगे इसको सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो की सेकंड एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री। जी अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, सेवन वन जर सेवन प्लस फाइव टू जर टेन, सिक्स वन जर सिक्स प्लस थ्री टू जर सिक्स, सेवन थ्री जर ट्वेंटी वन प्लस फाइव फोर जर ट्वेंटी, सिक्स थ्री जर एटीन प्लस फोर थ्री जर 12। इनको जब प्लस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 17, 12, 41 और 30। ये हमारा आंसर आ गया ए मल्टीप्लाई बाय बी का। तो जो हमने ये देखा था कि हमारा जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2 बाय 2 होगा, तो अगर हम इसको देखें तो इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है। तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।